वेलकम। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ टू अपियर इन एन इंटरव्यू। एक इंटरव्यू में अपियर हुआ जाए तो किस तरह हुआ जाए, आपकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपका लिबास क्या होना चाहिए, आपका स्पीच का टोन क्या होना चाहिए, बिहेवियर क्या होना चाहिए आपका, आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर, यू कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन बी एन इंजीनियर, आप जो है एक टीचर भी हो सकते हैं। तो तकरीबन नेचर सबका इंटरव्यू का सेम ही होता है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस और मुख्तलिफ सवालात जो आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में आपकी फील्ड से रिलेटेड। तो इंटरव्यू की हम डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहले, एन इंटरव्यू इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूवी, वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यूवी। एक इंटरव्यू जो है वो कॉन्वर्सेशन है, दो शख्स या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान हो सकती है कॉन्वर्सेशन, और उसमें सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यूअर के जरिए इंटरव्यूवी से अपने इदारे में हायर करने के लिए। अब टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, इसके कितने टाइप्स हैं? फेस टू फेस इंटरव्यू है, बिहेवियरल इंटरव्यू है, फोन इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, एग्जिट इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू और टेक्निकल इंटरव्यू। तो वन बाय वन हम इन्हें समझते हैं। फेस टू फेस इंटरव्यू क्या है? This is a traditional interview and the most common type. तो ये एक traditional interview है और बहुत ही ज्यादा common type है interview की। In this interview, the candidate and the interviewer meets face to face. तो दोनों अफराद यानी interviewer और interviewee face to face सामने उनसे गपशप होती है, question answers होते हैं। The main concept of the interview is to build rapport with the interviewer and show how the qualification will benefit their organization. तो इसका concept यह है कि इस interview का कि आप अपनी rapport build करते हैं interviewer के सामने और अपनी qualification बताते हैं अपने और benefits organization के लिए कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं उस इदारे के लिए। The interviewee should maintain eye contact and respond to all the questions of the interviewer. जो interviewee है उसको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना पड़ता है सामने फेस टू फेस जब बातचीत हो रही हो, और रिस्पॉन्ड करना पड़ता है उन तमाम सवालों का जो इंटरव्यूअर उससे पूछता है। उसके बाद है बिहेवियरल इंटरव्यू। ये एक बड़ी कॉमन टाइप है, ये भी इंटरव्यू की जो वर्क प्लेसेस में की जाती है इंटरव्यू के दौरान स्टूडेंट से या फिर टीचर है या फिर जो भी इंटर्नशिप के लिए जा रहा है या फिर प्रोफेशनल जॉब के लिए जा रहा है जो शख्स, तो इसको आप ये कह सकते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू भी ये कहलाता है। तो इसमें इंटरव्यूअर चाहता है कि आप रिकॉल करें अपने पास एक्सपीरियंस को और अपने एक्सपीरियंसिस को शेयर करें, जैसे इंस्टेंस वेयर दे वर फेस्ड विद अ सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस एंड हाउ दे रिएक्टेड, कि आपके साथ जो जो सर्कमस्टांसेस हुए किसी इदारे में जब आप काम करते थे और आपने उन पर कैसे रिएक्ट किया। तो ये बिहेवियरल बेसिकली इंटरव्यू कहलाते हैं। जैसे इसके कुछ सवालात हैं कि टेल मी अबाउट अ प्रोजेक्ट यू वर्क ऑन वेयर द रिक्वायरमेंट चेंज मिड स्ट्रीम। आपको कोई काम दिया गया, कोई प्रोजेक्ट दिया गया और उसकी रिक्वायरमेंट जो थी वो चेंज हो गई मिड स्ट्रीम, तो आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू। तो इसमें आपका बिहेवियर चेक किया जाता है। या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया लीड करने के लिए, तो आपने किस तरह से उसको हैंडल किया। या फिर डिस्क्राइब द वर्स्ट प्रोजेक्ट यू वर्क ऑन, कि वर्स्ट प्रोजेक्ट था कोई और आपने किस तरह से उसको संभाला उस प्रोजेक्ट को। ये इस तरह के सवाल, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बिहेवियर से रिलेटेड है। आपका बिहेवियर इसमें पता चलता है कि आप कितना डूएबल आपका एटीट्यूड रहा। फिर है फोन इंटरव्यूज। टेलीफोन इंटरव्यूज ऑफन टेक प्लेस टू स्क्रीन द कैंडिडेट्स इन ऑर्डर टू नैरो द पुल ऑफ एप्लीकेंट्स हु विल बी इनवाइटेड फॉर इन पर्सन इंटरव्यूज। जब कैंडिडेट की तादाद ज्यादा हो, जैसे आपने वो प्रोवर्ब सुना होगा कि वन पोस्ट टू 100 कैंडिडेट्स, एक अनार 100 बीमार। इंग्लिश में आप इसको ये कह सकते हैं कि एक पोस्ट है 100 कैंडिडेट्स हैं उसके। या अगर दो पोस्ट भी हैं फॉर एग्जांपल और 100 कैंडिडेट्स हैं, आपने उसमें से कंपनी ने 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, फिर उनको कॉल की, उनमें जो मोस्ट सूटेबल लोग लगे उनमें से चार लोगों को बुला लिया,
इंटरव्यू के लिए चार लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, फिर उनके बाद इन पर्सन उनका इंटरव्यू होगा, उन चार में से भी दो लोग सेलेक्ट किए जाएंगे। फिर है पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू क्या है? पैनल मींस अ सिलेक्शन कमेटी दैट इज अपॉइंटेड फॉर इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट। एक कमेटी होती है तीन से चार पांच लोगों की, वो बैठते हैं और वो इंटरव्यू लेते हैं कैंडिडेट का। पैनल में इंक्लूड थ्री और फाइव मेंबर्स, तीन से पांच मेंबर्स उसके हो सकते हैं। क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू कैंडिडेट्स अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड मार्क्स आर गिवन टू ईच अदर ईच कैंडिडेट। एक उनके पास फॉर्म होता है, उसमें वो इवेल्युएट करते हैं कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को। उसमें उसका टाइम विश हो सकता है, सैल्यूटेशन हो सकती है, उसका बैठने का स्टाइल, उसका अटायर है, लिबास है, आई कॉन्टैक्ट है, ये तमाम चीजें जो है उसके मुताबिक उसको नंबर दिए जाते हैं। फाइनल डिसीजंस आर टेकन बाय ऑल मेंबर्स कलेक्टिवली बाय रेटिंग द कैंडिडेट्स। वो जो फॉर्म उनके पास होता है फिर वो रेटिंग करते हैं कि टाइम विश के जो है वो 10 में से 10 है या 8 है या 5 है या 0 है, इस तरह उसको इवेल्युएट किया जाता है। फिर है एग्जिट इंटरव्यू। एग्जिट इंटरव्यू जब होता है कि जब आप कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, रिजाइन दे दिया आपने, रेजिग्नेशन लेटर जमा करा दिया, तो एचआर मैनेजर डायरेक्टर आपसे इंटरव्यू करते हैं। और उसमें सेकंड पॉइंट यह है कि एग्जिट इंटरव्यू इज टेकन टू फाइंड आउट व्हाई द एम्प्लॉय इज लीविंग द कंपनी। उसमें कंपनी ये जानने की कोशिश करती है कि ये जो एम्प्लॉय मुझे छोड़ के जा रहा है इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है कि क्यों इस इदारे को छोड़ के जाना चाहता है। Exit interviews are taken to create a good image of the company in the minds of the employees who are leaving the company. तो ये exit interviews जो है वो एक अहमियत बताता है, एक image create करता है company के employees के रहनों में कि जब वो company छोड़ के जा रहे हैं कि उनकी एक अहमियत है, उनकी अहमियत थी उस इदारे में, इसीलिए उनका interview लिया जा रहा है। कोई company नहीं चाहती कि उसका उसके इदारे का जो professional person है वो उसे छोड़ के जाए। उसके बाद है स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू क्या है? द इंटरव्यू अटेम्प्ट्स टू फाइंड हाउ एप्लीकेंट्स वुड रिस्पॉन्ड टू अग्रेसिव एम्बैरेसिंग रूड एंड इंसल्टिंग क्वेश्चंस। इस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ये दरियाफ्त करने की कोशिश करता है कि आप अपने जो इंटरव्यूवी है किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, अग्रेसिवली कर रहा है या परेशानी में कर रहा है, या रूड उसका बिहेवियर है, या इंसल्टिंग क्वेश्चंस उसमें शामिल होते हैं और उनके आंसर आपने देने होते हैं। ये एक ट्रिक होती है कि आपने इन तमाम सवालों के आंसर किस तरह से देने हैं। बेसिकली एक किस्म की आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, अदाकारी कर रहे होते हैं, आप जो है वो उसको स्ट्रेटजिकली आंसर दे रहे होते हैं उन सवालों के। जैसे शेक्सपियर के मुताबिक जो है दुनिया एक ड्रामा स्टेज है और तमाम मर्दो जन अदाकार और अदाकाराएं हैं, तो अपनी अदाकारी कर रहे हैं। जैसे मैं एज अ टीचर अदाकारी कर रहा हूं और आप एज अ स्टूडेंट और एज अ लिसनर अदाकारी कर रहे हैं, या कोई शॉपकीपर शॉपकीपर की अदाकारी कर रहा है। तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप भी अदाकारी कर रहे होते हैं। आपका अटायर, आपका बिहेवियर, आपकी वॉइस, आपका टोन, आपके गुफ्तगू का अंदाज, आपका आई कॉन्टैक्ट, चेहरे के ऊपर स्माइल, तो ये तमाम चीजें ये क्या है? ये बेसिकली यू आर एक्टिंग लाइक एन इंटरव्यूवी। हकीकत में आपका बिहेवियर, आपका लाइफ स्टाइल, आपका लिबास, आपका बात करने का अंदाज, हर चीज मुख्तलिफ है इंटरव्यू के मुकाबले। तो वो स्ट्रेस क्वेश्चंस जब आपसे पूछे जाते हैं तो आपने उनका आंसर ऐसा आंसर देना होता है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, उसकी प्रिपरेशन बाकायदा कराई जाती है इंटरव्यू के लिए। स्ट्रेस इंटरव्यू अलाउज इंटरव्यूअर्स टू सी हाउ वेल यू वर्क अंडर प्रेशर। तो इससे पता चलता है कि आप अंडर प्रेशर कितना काम कर सकते हैं, कितने ज्यादा अंडर प्रेशर हो के जो है आप कितने आराम से, कितना कूल माइंडेड रह के आप काम कर सकते हैं, कितना डूएबल आपका एटीट्यूड है। आप हाईली क्वालिफाइड हो सकते हैं, वेल एजुकेटेड हो सकते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन आप स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं जानते, तो डेफिनेटली कंपनी को तो वो शख्स चाहिए जो बर्डन बर्दाश्त कर सके, स्ट्रेस बर्दाश्त कर सके काम का। ये बहुत अहम हिस्सा है आपकी जॉब का। तो उसमें इंटरव्यू में उसकी पर्सनैलिटी को जज करने की, इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं इंटरव्यूअर्स। मजीद ये कि बींग आस्क मोर देन वन क्वेश्चन एट अ टाइम, एक से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं
एक सवाल खत्म नहीं हुआ, दूसरा शुरू हो गया, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अभी आप अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, तो फिर एक सवाल कर लिया, फिर आपने उसका आंसर दिया नहीं, दूसरा सवाल आपसे कर लिया, तो आपने परेशान नहीं होना, जो आपने अपने आंसर को इनकम्प्लीट छोड़ के दूसरे सवाल का जवाब देना, तीसरा सवाल उसे इनकम्प्लीट छोड़े उनके सवाल का आंसर दे, तो आई कॉन्टेक्ट आपके दोनों तरफ चारों तरफ होने चाहिए, उससे आपका पता चलेगा कि आप कितना स्ट्रेस ले सकते हैं, आपको जो है वो परेशान नहीं होना, आपने रूट लैंग्वेज यूज नहीं करनी, आपने मुसलसल स्माइल अपने चेहरे पे रखनी। बीइंग आस्क्ड फर्दर क्वेश्चंस विदाउट बीइंग अलाउड एडिक्वेट टाइम टू रिस्पॉन्ड, तो अभी आपको टाइम नहीं मिला रिस्पॉन्ड देने का कि मजीद सवाल दर सवाल आपसे किए जा रहे हैं। बीइंग क्वेश्चंस इन एन इंटरोगेटरी टोन एंड वॉइस, तो ऐसा लगेगा कि इंटरोगेटरी टोन और वॉइस है, एक इंक्वायरी हो रही है, पुलिस इंक्वायरी हो रही है शायद आपकी, तो आपने घबराना नहीं है, इंटरव्यू के दौरान आपने कूल रहना है। बीइंग आस्क्ड एन अनरिलेटेड बंच ऑफ क्वेश्चंस, तो बंच ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हैविंग हिज फीलिंग्स प्रोवोक्ड, तो आपकी फीलिंग्स को प्रोवोक किया जाएगा, लेकिन आपने स्ट्रेस में नहीं आना। हाउ मैनी अदर, अब जैसे इसके कुछ सवालात मौजूद हैं कि स्ट्रेस क्वेश्चंस, इस तरह के कुछ सवालात हो सकते हैं। हाउ मैनी अदर जॉब्स आर यू अप्लाइंग फॉर, कि कितनी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने घबराना नहीं, आपने कहना है कि ये मेरी फर्स्ट जॉब है या मैं सेकेंड जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। वॉज द स्ट्रेस ऑफ योर प्रीवियस जॉब टू मच फॉर यू, क्या पुरानी जॉब का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था आपके लिए, ये सवाल हो सकता है। हाउ डू यू फील दिस इंटरव्यू इज गोइंग, ये इंटरव्यू कैसा जा रहा है। Why were you fired from your previous job? तो ये बड़ा teasing question है, stress वाला question है कि previous job से आपको क्यों fire किया, कोई भी सच नहीं बताता, तो आपने यहाँ भी कोई reasonable reason देना है। Why should we hire you? हमें आपको क्यों hire करना चाहिए, आपने क्या quality है कि हम आपको hire करें, तो आप अपनी qualities बताएंगे कि आप most suitable हैं इस post के लिए, आपकी qualification meet करती है requirement पे, इस तरह। फिर टेक्निकल इंटरव्यू है, टेक्निकल इंटरव्यू ये है कि फोकस इज ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी के ऊपर होता है ये। द क्वेश्चंस एम एट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड लाइकली शो योर एबिलिटी एंड क्रिएटिविटी, कि कितनी क्या एबिलिटी है, क्या क्रिएटिविटी आप रखते हैं। समटाइम्स दीज इंटरव्यूज विल बी ऑन अ कंप्यूटर मॉड्यूल विद मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चंस, तो कभी कभी ये मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चंस पे भी होते हैं कंप्यूटर में। अब नीड फॉर इंटरव्यू, अब इंटरव्यू की ज़रूरत क्यों पड़ती है इंटरव्यूअर को, तो उसके ये आंसर मौजूद है आपके सामने। टू जज द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट, कि जो जिस शख्स को वो हायर कर रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी है क्या ओवरऑल। टू नो वेदर यू आर एबल टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड जॉब और नॉट, आप इस जॉब के अहल हो, एलिजिबल हो उसके लिए या नहीं हो। टू जज द स्किल्स एंड एटीट्यूड्स विच आर नॉट मैंशन इन CV, बहुत सी चीज़ें आपकी CV में मौजूद नहीं है, मेंशन नहीं है। सबसे ज़्यादा आप ये कह लें कि जो आपका बिहेवियर है, जो आपका एटीट्यूड है, तो वो तो आपसे गपशप करके इंटरव्यू के जरिए पता चलेगा। अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज, नॉलेज के अलावा योर एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू डू द जॉब, कि आप ये एबिलिटी और कैपेसिटी रखते हैं जॉब करने के अहल हैं। टू फाइंड आउट व्हाट मोटिवेट्स यू, क्या चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं। हाउ वेल यू कम्युनिकेट, कितना अच्छा आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। योर एक्चुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है, तो ये तो तकरीबन हर शख्स से पूछा जाता है इंटरव्यू के दौरान। अब कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंटरव्यू में पहला सवाल जो इंट्रोडक्शन है, यानी अपने बारे में बताइए। वाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब, लास्ट जॉब आपने क्यों छोड़ी। What experience do you have in this field? इस फील्ड में आप क्या तजर्बा रखते हैं। Do you consider yourself successful? क्या आप समझते हैं कि आप कामयाब इंसान हैं। What do co-workers say about you? आपके साथ काम करने वाले आपके बारे में क्या राय रखते हैं। What do you know about this organization? आप इस organization के बारे में, हमारे इदारे के बारे में क्या सोचते हैं। What have you done to improve your knowledge in the last year? अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आपने लास्ट ईयर क्या किया। तो इसके तो बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं कि मैंने जो है मैं पढ़ता रहा हूँ सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बिजनेस कम्युनिकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या वर्ल्ड हिस्ट्री, ये तमाम सब्जेक्ट्स जो है वो मेरे इंटरेस्ट में रहे, मैं पढ़ता रहा हूँ। आर यू अप्लाइंग फॉर
अदर जॉब्स, क्या आप दूसरी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं? व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन इदारे के लिए आप क्यों काम करना चाहते हैं? डू यू नो एनी वन हु वर्क्स फॉर अस, ये इसमें रेफरेंस पूछा जा रहा है, क्या किसी शख्स को आप जानते हैं जो हमारे लिए काम कर रहा है? उसके बाद है डूज एंड डोंट्स ऑफ इंटरव्यूइंग, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, हो रहा है आपका इंटरव्यू, तो आपने इन डूज और डोंट्स का ख्याल रखना है। डू नॉट अस्यूम एनीथिंग, किसी चीज को आपने अस्यूम नहीं करना। डू नॉट फॉर्म प्री जजमेंट, पहले से किसी चीज की जजमेंट नहीं करनी। डू आस्क बोथ ओपन एंड क्लोज क्वेश्चंस, इंटरव्यू के दौरान आप भी ओपन एंड क्लोज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर कोई चीज क्लियर नहीं हुई आपकी। डू वेरीफाई अंडरस्टैंडिंग थ्रू प्रॉबिंग एंड कंफर्मिंग क्वेश्चंस, कोई सवाल क्विकली गुजर गया तो प्रॉबिंग और कंफर्मिंग के लिए आप वो सवाल कर सकते हैं। डू अवॉइड कन्फ्रंटेशन, आपने कन्फ्रंटेशन नहीं करना, सामना नहीं करना, मुकाबला नहीं करना, क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए आए थे। डू एक्ट इन अ फ्रेंडली बट प्रोफेशनल मैनर, आपने फ्रेंडली भी रहना है लेकिन प्रोफेशनल मैनर के साथ। डू नॉट इंटरप्रेट इंटरप्ट, और आपने इंटरप्ट नहीं करना, वो तो आपको इंटरप्ट करेंगे क्योंकि वो आपको जॉब के लिए हायर कर रहे हैं, आपका स्ट्रेस देख रहे हैं, आपका बिहेवियर देख रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी देख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उनको इंटरप्ट नहीं करना, आपने उनके सवाल के जवाब देने, चेहरे पे स्माइल रखनी, प्रोफेशनल बिहेव करना। डू लिसन एक्टिवली, और एक्टिवली आपने जो है इंटरव्यूअर को सुनना है। डू टेक नोट्स बट डू नॉट बी ऑब्ट्रूसिव अबाउट इट, तो आपने नोट करना है चीजों को लेकिन आपने ऑब्ट्रूसिव नहीं होना उसके बारे में। फिर कंक्लूजन है, फाइनल टिप्स, नो द कंपनी या नो अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आप अप्लाई करते हैं किसी जॉब के लिए किसी इदारे में, किसी ब्रांड इदारे में, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, उस वेबसाइट पे आपको उनकी रिपोर्ट्स, उनके मिशन, उनके स्टेटमेंट, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस, उनके सिस्टम, उनका इंटरनल, ये सारी चीज़ें, हिस्ट्री, एनुअल रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें आप उनके पंफलेट्स को, उनके ब्रोशर्स को, वेबसाइट को, न्यूज़लेटर्स को पढ़ के जाएं अच्छी तरह। अगर वो कंपनी के बारे में पूछे, कंपनी हिस्ट्री के बारे में, और आप आंसर देना जानते हो, आपको पता है पहले से, आप स्टडी करके आए, तो ये पॉजिटिव साइन होगा आपकी जॉब के लिए। फिर है कंफर्म इम्पोर्टेंट, कंफर्म इम्पोर्टेंट डिटेल्स, कंफर्म टाइम्स एंड अराइवल एटलीस्ट 15 मिनट्स अर्लियर, आपने जो है इन चीज़ों को ख्याल रखना है। जो अराइवल है 15 मिनट पहले पहुंचे इंटरव्यू के लिए, उससे बेहतर ये है कि आप जिस जगह इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आप एक दिन पहले वहाँ विजिट कर लें, उस जगह को देख लें, ताकि आप 15 मिनट्स अर्लियर पहुंचे, ये भी पॉजिटिव सिंबल होगा। अब कंक्लूजन में जो है स्विच ऑफ योर मोबाइल, मोबाइल को आपने स्विच ऑफ रखना है, वैसे भी स्विच ऑफ रखना होता है गैदरिंग में, तो ये अच्छी बात नहीं है कि आपका मोबाइल ऑन है, बेल बज रही है, आप इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू दे रहे हैं। नो वेट फिश हैंड शेक्स, तो आपका जो हैंड शेक है वो वेट फिश नहीं होना चाहिए, वो वार्मली होना चाहिए विद अ फर्म ग्रिप। आस्क क्वेश्चंस, और जो आपने सवालात करने हैं, आखिर में इंटरव्यू के एंड में आपको मौका मिलता है कि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कंपनी के बारे में। तो आप जो सवाल आपके जहन में हो कि अगर मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो कब से ज्वाइन कर सकता हूँ इस इदारे को, जो आपके जहन में क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज, डू नॉट स्मोक, रिलैक्स स्माइल, लुक एट पीपल एज यू स्पीक टू दैम, स्मोक किया हुआ है आपने जो है, तो डेफिनेटली उस इन्वायरमेंट में पता चल जाएगा कि आप स्मोकिंग करके आए, अगर बाहर से भी स्मोक करके आए तो। आपका जो ड्रेस है और ये अटायर हो, ऑफिशियल हो फुल, और आपने जो है अवॉइड वन वर्ड आंसर, डिटेल में आपने सवालों के जवाब देने हैं। जैसे इंट्रोडक्शन के बारे में आपका इंटरव्यू इंट्रोडक्शन पूछा, तो आपने उसको डिटेल में बताना। जॉब ऑफर, फाइनली इफ यू एक्सेप्ट द जॉब यू हैव गिवन योर वर्ड, जब आप जॉब एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर उसके बाद ये होता है कि वर्बल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क फॉर टाइम टू थिंक, बट कि कब से आपकी ज्वाइनिंग है, तो ये सारी चीजें आपने उनको रिप्लाई करना होता है जॉब ऑफर के बारे में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जॉब इंटरव्यू के हवाले से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।